असली बस के सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, जैसा कि भी आपको पता है, अब तो मोदी जी ने 21 दिन के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। पूरे 21 दिन हम लोगों को अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। इस 21 दिन घर में रहने से ही हम अपने देश को बचा सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और इस कोरोना जैसी महामारी पर विजय हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप घर पे रहते हो, सोचते होंगे बड़ा बोरिंग सा पीरियड है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, काम नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, तो हम क्या करें? दोस्तों, कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूं एसलीपीएस के बहुत से फाइटर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। करना चाहिए, क्योंकि 21 दिन अगर हम चाहें तो अपने जीवन के बहुत ही अहम दिन बना सकते हैं, मेमोरेबल डेज बना सकते हैं। इन 21 दिन को हम नाम दे सकते हैं 21 डेज ऑफ चेंज। जीवन में जो भी दिन हमें मिला है, जो भी हम समय मिला है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है। दोस्तों, हमें जिंदगी में इतना समय कभी नहीं मिलता, इतना समय सीखने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि दिन रात हमें अपने काम में मेहनत करनी होती है और हमें अपने काम में बहुत ही कम समय मिल पाता है। लेकिन ये 21 दिन जो हमें अपने काम के बीच में मिले हैं, ये 21 दिन हमारा जीवन बदल सकते हैं, हमें बदल सकते हैं, हमारे नॉलेज को बदल सकते हैं, हमें पूरा पूरा बदलाव हमारे अंदर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इनको हमारी असली बेस का हर एक फाइटर नाम दे 21 डेज ऑफ चेंज। और दोस्तों, अभी 21 डेज में हमें क्या करना है? जिस भी फाइटर का जो भी रैंक है, अगर कोई ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, और जितनी उसके नॉलेज है उस नॉलेज को अपग्रेड करना है। अगर किसी को प्लान देना नहीं आता तो उसे प्लान देना सीखना है। अगर किसी को प्लान देना आता है, क्लोजिंग करनी नहीं आती तो उसे क्लोजिंग करनी सीखनी है। अगर किसी को क्लोजिंग करनी आती है, ऑब्जेक्शन सोल्यूशन नहीं आते तो उसे ऑब्जेक्शन सोल्यूशन सीखने हैं। और किसी को अगर प्लान, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन सोल्यूशन आते तो सेमिनार स्टेज प्लेयर बनना है, स्टेज सेमिनार सीखना है, स्टेज सेमिनार क्लोजिंग सीखनी है, 12 स्टेप रनिंग सीखनी है, काउंसलिंग सीखनी है। क्योंकि सीखने की कोई जिंदगी में कोई हद नहीं होती दोस्तों, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। इंसान जब तक जीता है, जब तक सीखता है। और मैं हमेशा बताता हूँ, जो सीखता है वही जीतता है। लेकिन हम लोगों को इतना समय ही नहीं मिलता था कि हम कुछ सीख पाते। लेकिन अब ऊपर वाले ने, परमात्मा ने शायद हमें समय दिया है कि बेटा सीखो और उसके बाद बाहर निकलो। दोस्तों, जब हम जो आज हैं और 21 दिन में जब बदल कर निकलेंगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हमें वो बदलाव होगा, वो चेंजेस होंगे जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए होंगे कि कोई व्यक्ति इतना अपने आप को इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव कर सकता है। और हम सब बदल सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं। और मैं सभी सीनियर लीडर से चाहूंगा कि वो लोग सिखाएं अपने लोगों को, फोन पे सिखाएं, उन्हें वीडियो बना के भेजें, उन्हें रिकॉर्डिंग दें, उन्हें रिकॉर्डिंग करके भेजें, उन्हें समझाएं, एक सिस्टम बनाएं, एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएं कि आज मेरी टीम में किस लीडर ने क्या सीखा, आज मेरी टीम के ब्रॉन्ज ने क्या सीखा, फ्रेशर ने क्या सीखा, सिल्वर ने क्या सीखा, गोल्ड ने क्या सीखा, प्लेटिनियम ने क्या सीखा, अमराल्ड ने क्या सीखा, आज मेरे किस रैंक के लीडर ने आज क्या सीखा। वो रिपोर्टिंग प्रोसीजर बनाए और डेली शाम को सभी सीनियर लीडर रिपोर्टिंग लें। दोस्तों, ये 21 डेज ऑफ चेंज है हमारे लिए। ये 21 दिन का लॉकडाउन नहीं है, ये 21 दिन का चेंज भी है साथ साथ लॉकडाउन के। इसमें हमें अपने जीवन को भी बचाना है और अपने आप को भी निखारना है। और मुझे लगता है एसलीपीएस का हर एक फाइटर मेरी इन बातों को पक्का गौर फरमाएगा, गौर करेगा और हर एक सीनियर लीडर अपनी टीम को सिखाएगा। दोस्तों, बहुत वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, ट्रेनिंग्स वीडियो सब आपके पास, उन्हें देखें और सीखें। मैं तो कहता हूं आज से हम इसको नाम देंगे 21 डेज ऑफ चेंज। दोस्तों, उसके बाद आपको पता है कि आज इस कोरोना की महामारी ने हर एक व्यक्ति को परेशान कर दिया है, हर एक व्यक्ति परेशान है। लेकिन एसलीपीएस के मैं फाइटर्स को कहूंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये समझिए, ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ये समझिए इस ट्रेनिंग पीरियड में हम सीख रहे हैं, हम पहले सीखेंगे उसके बाद कमा लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 21 दिन से ज्यादा भी लॉकडाउन बढ़ता है तो भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत जिंदगी बढ़ी है, हम सब मिलकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एसलीपीएस आपके हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेगी। आगे बहुत काम हो जाएगा, बहुत पैसे कमा लेंगे, बहुत टीमें बना लेंगे, कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। क्योंकि अभी हमें ये जो समय है इसका सदुपयोग करना है, इस समय में हमें सीखना है और अपने आप को सेफ भी रखना है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। क्योंकि दोस्तों, जब ये महामारी एकदम खत्म हो जाएगी, एक ना एक दो महीने में, एक महीने में, कभी ना कभी तो खत्म होगी, उसके बाद हमें क्या करना है? फील्ड में जाना है और फील्ड में बिल्कुल चमक कर जाना है, बिल्कुल धमक कर जाना है, एकदम निखर कर जाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसलीपीएस का हर एक फाइटर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आएगा और ये सोचेगा कि जो समय मिला है ये हमें सीखने के लिए मिला। और दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं एसलीपीएस के हर फाइटर के लिए, उन फाइटर्स के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ऐसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर होंगे दोस्तों हमारे, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं और अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए हमारे बिजनेस में जुड़ जाते हैं।
गरीबी रेखा से नीचे, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। आज ऐसे लोगों को हमें फाइंड आउट करना है। हर एक डायमंड एंड अबव लीडर, हमारी कंपनी में तकरीबन डायमंड एंड अबव लीडर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, तकरीबन 54 लोग हैं। इन 54 के 54 लीडर से मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दोस्तों आप अपनी टीमों में गरीबी रेखा से नीचे जो आपके लोग हैं, जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रॉन्ज रैंक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉन्ज रैंक, उनको फाइंड आउट करें और ऐसे 30-30 नाम कंपनी को दें। कंपनी चाहती है उनकी आर्थिक सहायता करनी, उन्हें आर्थिक सपोर्ट करनी, इस समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, कंपनी उनको आर्थिक सहयोग करना चाहती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें कोई इस तरह नहीं करेंगे कि भाई आप किसी का भी नाम देंगे, आप रियल पर्सन का ही नाम देंगे जो रियली परेशान है, गरीबी रेखा से नीचे है। ऐसी आर्थिक सहायता आज SLPS परिवार एक आर्थिक सहायता की घोषणा करता है कि SLPS परिवार अपनी कंपनी के 2000 परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन 2000 परिवारों को 2000 रुपए की मदद करने जा रहा है। आपको इनके नाम, इनका अकाउंट नंबर, इनका बैंक नेम, इनका IFSC कोड और इनका डायरेक्ट सेलर कोड देना है। दोस्तों एक छोटी सी सहायता है, जितनी हम लोग कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे डायमंड एंड अबव 54 लीडर हैं, आप सब भी कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 लोगों की लिस्ट बनाएं। 30 लोगों को कंपनी आपके नेटवर्क में मदद कर रही है, 30 लोगों की मदद आप करें। इससे हम 4,000 से 5,000 लोगों की मदद कर पाएंगे। 4,000 से 5,000 लोगों को अगर हम 2,000 की आर्थिक सहायता दें, 2,000 को कंपनी दे, 2,000 को आप लोग दे, तो हमारे 4,000 लोगों की मदद होती है। मतलब 16,000, उनके अगर 4,000 लोगों का परिवार है तो 16,000 लोगों की मदद होती है। और इस बुरे समय में मुझे लगता है इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए आपकी कंपनी ने एक आर्थिक पैकेज की आज घोषणा की है और आगे भी जीवन में जब तक जीवन है हमेशा यही कोशिश करेंगे कि अपने लोगों की हमेशा मदद करें, अपने लोगों को साथ लेके चलें, अपने लोगों को कोई दुख तकलीफ ना आने दें। और दोस्तों ये जो समय आने वाला समय, से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। तो आप सब से मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपको बताया आप जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि SLPS का हर एक फाइटर नहीं है, वो एक परिवार है, हमारे परिवार का मेंबर है। और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।